करण अर्जुन फिल्म देखने वाले 99% लोग नहीं जानते इन पांच बातों को, जानकर यकीन नहीं होगा। बॉलीवुड कई फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें लोग कई सालों बाद भी काफ़ी पसंद करते हैं और इन फिल्मों को बार बार देखना भी पसंद करते हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म ऐसी भी है जिसे लोग 23 साल बाद भी काफ़ी पसंद करते हैं। इस फिल्म का नाम है करण अर्जुन। आज हम आपको करण अर्जुन फिल्म की पाँच ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप न जानते हो। जानते हैं नंबर फर्स्ट, इस फिल्म के मशहूर डायरेक्टर राकेश रोशन पहले इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान को लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारण आमिर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और बाद में उनकी जगह शाहरुख खान को अर्जुन का रोल मिला। जानते हैं नंबर सेकंड, इस फिल्म के करण के रोल के लिए पहले अजय देवगन को अप्रोच किया गया था, क्योंकि अजय देवगन की कई फिल्में सुपरहिट हो रही थी, लेकिन बाद में अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। इसी कारण के बाद ये फिल्म सलमान और शाहरुख खान को मिली। जानते हैं नंबर तीन, इस फिल्म का हिट गाना जाती हूँ मैं, जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, इस फिल्म के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राकेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया, यही वही गाना था, उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। जानते हैं नंबर चार, इस फिल्म की शूटिंग जिस गांव में हुई थी उसका नाम भानगढ़ था, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, और इस फिल्म में दिखाई देने वाला काली माता का मंदिर अजमेर के पुष्कर में स्थित है और आप भी वहां जाकर इस मंदिर को देख सकते हैं। जानते हैं नंबर पाँच, सलमान खान ने इस फिल्म में पहली बार अपनी कमीज उतार कर अपनी बॉडी दिखाई थी, उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत करके ज़बरदस्त बॉडी बनाई थी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेटिंग वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल लाइव टेक नंबर 1 को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद।